Hello everyone. So this is our second part of exercise 46 of High School Dean & Martin grammar, which is related to tenses. इससे पहले वीडियो मैंने 14 सेंटेंस कवर कर दिए थे. 46 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 25 सेंटेंस है. तो 14 के बाद 15 से 25 तक मैं अभी कवर करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए 15 सेंटेंस मेरा है, डोंट डिस्टर्ब मी. इट मीन्स द स्पीकर इज स्पीकिंग. इट मीन्स द एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आई डैश माई होमवर्क. इट मीन्स एक्टिविटी इज हैपनिंग. तो वैसे भी सेंटेंस सिंपल है ये, कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आई एम डूइंग इज योर करेक्ट आंसर. दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क. मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. सेकेंड सेंटेंस देखिए, अब्दुल डैश टू बी ए डॉक्टर. अब देखिए यहाँ पर मेरे पास तीनों की तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारी वर्ब के, वो वांट से रिलेटेड हैं. और वांट जो हमारी है वो होती है वर्ब ऑफ इमोशन. इमोशन से रिलेटेड वर्ब होती है. और वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ पोजेशन और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इनको हम यूज़ नहीं करते कंटिन्यूअस टेंस में. इनको यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर. तो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा वांट्स. अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर, की अब्दुल एक डॉक्टर बनना चाहता है. नेक्स्ट देखिए, द सूप डैश गुड टेस्ट इज टेस्टिंग. अब ये फिर से तीनों मेरी जो वर्ब देखेंगे ये आ जाती है हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर. सी स्मेल हियर टेस्ट. तो यहाँ पर फिर से हम कंटिन्यूस टेंस अवॉइड करते हैं और यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट. तो मेरा आंसर हो जाएगा सूप इज सिंगुलर. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस आएगा. जैसे ऊपर अब्दुल सिंगुलर है तो एस ई आई एस आया, सूप इज सिंगुलर, एस ई आई एस आएगा. दोनों के दोनों सेंटेंस एक ही कैटेगरी के हैं. दोनों के अंदर वो वर्ब्स आई हैं जो कंटिन्यूस टेंस में अवॉइड होती हैं और सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं. नेक्स्ट देखिए, ही डैश टीवी मोस्ट इवनिंग्स. वह ज़्यादातर इवनिंग में टीवी, सिंपल पता चल रहा है, मोस्ट से ही पता चल रहा है कि ज़्यादातर इवनिंग में ये काम होता है. सो इट इज़ ए रेगुलर एक्टिविटी, इट इज़ ए हैबिट. तो हैबिट को हम बताते हैं सिंपल प्रेजेंट से. तो फिर से मेरा सेंटेंस वाचिस वाला हो जाएगा. तो अगर हम देखते हैं कि मेरे ये जो सेंटेंस यूज हुए हैं, ये मेरा ऊपर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस था, यहाँ पर मेरा सिंपल प्रेजेंट है, फिर से यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है. तीनों के तीनों सिंपल प्रेजेंट के हैं. हैबिट है और वो वर्ब जिनको हम कंटिन्यूस टेंस में अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट देखिए, ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो. इसको समझने के लिए मैं पहले इनको रब कर देता हूँ, आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. क्योंकि अगर आप देखते हैं ही हैज़ गोन आउट 5 मिनट्स अगो, आपको ये भी ठीक लगेगा. हैड गोन भी ठीक लग सकता है कुछ हद तक, और वेंट तो लगेगा ही लगेगा ठीक. एग्जैक्ट कौन सा होगा, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, उसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए इसका. इनको हटा देते हैं. देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे समझने के लिए अगो. अगो को हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए मैं एक टाइम रेफरेंस लिखता हूं, दिस इज 10 o'clock, ये 10 बजे का टाइम है, 11 o'clock उसके बाद का टाइम है, और 9 o'clock पहले का टाइम है. अगो जो मेरा वर्ड है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. सपोज कोई आदमी आपसे 9 o'clock मिला है, ये समय है आपका मिलने का, दिस इज योर मीटिंग टाइम. और अभी टाइम, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम.
ये आपका अब का समय है, 11 o'clock आपका फ्यूचर का समय है, मान लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को देखिए, ये क्या है, ये आपका पास्ट है। आप इतना समय पहले, 1 hour before या 1 hour ago, इतना समय पहले, ठीक है, आप यहाँ पर मिले हैं किसी से, तो आप क्या कहेंगे, आई मेट हिम 1 hour ago। अब देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ही वेंट 5 minutes, वेंट आउट 5 minutes ago, 5 मिनट पहले वह बाहर गया, कि मैं 1 घंटा पहले उससे मिला। अब देखिए फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई आपसे अब 10 बजे मिल रहा है और मिलना था उसको 11 बजे, यानी 1 घंटा पहले मिल रहा है वो आपसे, तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, फिर आपका सेंटेंस ये बन जाता है, आई हैव मेट हिम 1 hour before, 1 घंटा पहले ही मैं मिल चुका हूँ, अभी प्रेजेंट में 1 घंटा पहले मेरा काम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे बिफोर आता है आपका टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और जैसे ही अगो आता है आपका टेंस हो जाता है पास्ट इनडेफिनाइट या सिंपल पास्ट, ये अंतर पड़ता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ, इसको भी कवर कर लेते हैं, हैड गॉन को। हैड गॉन को हम किसी टाइम रेफरेंस के अनुसार चलें तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए हैड गॉन का हम कर सकते हैं कि इससे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ये काम हो गया है मिलने का, तो आप क्या कहेंगे, इसमें आपको टाइम रेफरेंस भी देनी पड़ती है। जब भी आप परफेक्ट टेंस में आते हैं तो आप एक टाइम रेफरेंस देते हैं, आप यूजेज ऑफ टेंसेस को देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा मेरा वो वीडियो। आई हैड मेट हिम बाय 5 o'clock टू डेज बिफोर, यानी 2 दिन पहले 5 बजे तक मैं उससे मिल चुका था। बात करा 2 दिन पहले की, उस समय तक मैं उससे मिल चुका था। अब यहां पर देखिए बिफोर से आपका पास्ट भी पता चल जाता है। बिफोर से पास्ट कैसे होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम से पहले इतना काम, इतने समय पहले काम हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इट ऑल द 3 आर क्लियर टू यू नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद। अब देखिए ये मेरा हिस्सा है पास्ट इंडेफिनेट में, व्हेन ही लिव्ड से मेरा पता चलता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी सब्जेक्ट के बाद, तो मेरा ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया। पास्ट इंडेफिनेट यहाँ तक मेरा पूरा है। अब मैं इतने के बाद पहले तो सोचूंगा कि पास्ट का कोई दूसरा ही आएगा, ठीक है, वो पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। देखें, ही टू सिनेमा 1 in a week, देखिए ये पास्ट कंटिन्यूस होगा, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट तो मेरा नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं होगा पास्ट इंडेफिनेट के साथ। पास्ट इंडेफिनेट भी खुद हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट वंस इन ए वीक मुझे दिखा रहा है पास्ट की एक हैबिट, और पास्ट की हैबिट को हम दिखाते हैं, कहते हैं वुड को यूज करते हैं या यूज करते हैं यूज्ड टू को, वुड और यूज्ड टू को यूज करते हैं हम, और वुड और यूज्ड टू का अल्टरनेट पास्ट इंडेफिनेट को यूज करके कहा जा सकता है। अगर हम पास्ट इंडेफिनेट को यूज करते हैं तो वो पास्ट की हैबिट को दिखाता है और वो वुड और यूज टू का अल्टरनेट होता है, तो हम चूज करेंगे किसको, वेंट को, तो ही वेंट टू सिनेमा 1 in a week। नेक्स्ट देखते हैं, द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको एक बार रब करता हूं, देखिएगा बहुत अच्छा बनता है ये भी।
इसको रब कर लेते हैं पूरा यहाँ तक। देखिए, अच्छा इस सेंटेंस को मैं आपको दो तरीके से लिख के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन किस तरीके से करेक्ट होता है। सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे आपको तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको दो ही दिए गए हैं। या तो आप सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करिए। देखिए, अगर मैं लिखूँ द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग, जैसा कि ये है, फिर मैं दूसरा लिखता हूं द बेबी डैश ऑल मॉर्निंग्स, अब मैंने ऑल मॉर्निंग्स लिख दिया है। इनमें दोनों में अंतर क्या है? पहला सेंटेंस मुझे बताता है कि जब से मॉर्निंग शुरू हुई है, यानी मान लीजिए ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये मेरा वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये मॉर्निंग में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम मान लेते हैं कि 5 o'clock, 6 o'clock, 5:30, तब मॉर्निंग से शुरू होकर, इस पॉइंट से शुरू होकर पूरी मॉर्निंग तक वो बच्चा रो रहा है। यानी हमें क्या पता चलता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से एक एक्शन शुरू होता है और वो पूरी मॉर्निंग चल रहा है, यानी इतना सारा हो चुका है और आगे भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रेजेंट के अंदर कुछ हिस्सा परफेक्ट पूरा हो गया और उसके बाद वो कंटिन्यू है, आगे चल रहा है कि इतना तो मेरा हो गया और अब आगे भी मॉर्निंग में ये चल रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ऑल का मतलब हो जाता है सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, हैज़ बीन क्राइंग, तो मेरा आंसर होगा हैज़ बीन क्राइंग। अब दूसरे तरीके से देखिए, जब मैं कहता हूँ ऑल मॉर्निंग्स, यानी सिर्फ आज की मॉर्निंग नहीं, कल की भी मॉर्निंग, परसों की मॉर्निंग या उससे ज़्यादा भी मॉर्निंग, सारी मॉर्निंग, यानी एक मॉर्निंग, दूसरी मॉर्निंग, फिर मॉर्निंग, यानी रेगुलर एक्टिविटी ऑफ मॉर्निंग्स, ये क्या होगी, एक रेगुलर एक्टिविटी होगी जो हर मॉर्निंग में हो रही है। तो रेगुलर एक्टिविटी किससे बताते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट से। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा, ऑल मॉर्निंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेगुलर एक्टिविटी को। तो अब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, रेगुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या होगा, द बेबी क्राइज, कि सारी मॉर्निंग वो जो हर रोज़ मॉर्निंग में वो रोती है, तब आपका आंसर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हैज़ बीन क्राइंग इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आई रहीम एट द जू, यस इसको भी हम तीनों तरीके से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मैं रहीम से जू में मिला, ये इतना ही है, यानी पास्ट में एक एक्शन हुआ और पास्ट की कोई भी टाइम रेफरेंस आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। पास्ट में जब कभी भी टाइम रेफरेंस नहीं दी जाती तो देन वी कैन से इट इज़ सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट।